जिस सोयाबीन को किसानों ने महीनों स्टॉक करके रखा था, फिर भी वो घाटा खाया, जब अब उसी सोयाबीन में फिर से खरीदारी लौटती दिखाई दी है। सेबी द्वारा 7 कमोडिटीज बैन करने से वायदा बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला था। इसका असर सोयाबीन वायदा की कीमतों पर भी ठीक ठाक देखने को मिला था। सोयाबीन वायदा की कीमतें NCDEX पर 6500 से सीधे नीचे 5600 तक गिरती नजर आई थी। इस दौरान किसानों ने अपनी सोयाबीन की बिकवाली की थी, जिससे मंडियों में सोयाबीन की आवकों का प्रेशर भी देखने को मिला था और कीमतों पर दबाव बना था। और दूसरा, सेबी के फैसले के चलते भी कीमतों पर दबाव बना था। वहीं अब सोयाबीन की कीमतों में NCDEX पर निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है, जो कीमतों को ऊपर में 6200 के ऊपर लेके गई है। विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जिसका असर हमने घरेलू सोयाबीन के वायदा की कीमतों पर पड़ते देखा। जानकारों के अनुसार सोयाबीन की कीमतों में ना ही ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ना ही ज्यादा गिरावट। सोयाबीन अभी एक दायरे में कारोबार करती नजर आ सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।